और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस की टीम हिसार पहुंच गई है। सोनाली के परिवार वालों को हिसार पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। ये टीम गुरुग्राम भी जा सकती है। गुरुग्राम की ग्रीन गुरुग्राम सोसाइटी में सोनाली फोगाट के नाम टावर नंबर 4 में फ्लैट नंबर 901 है। ये फ्लैट सेक्टर 102 में है। फोगाट के परिवार का दावा है कि ये फ्लैट सोनाली का है, लेकिन उसके पीए सुधीर सांगवान ने कथित तौर पर इसे अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया था। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने पुलिस से अपील की है कि इस फ्लैट को परिवार की मौजूदगी में खोला जाए। उन्हें लगता है कि परिवार के सदस्यों के बिना इसे खोला गया तो सबूत गायब हो सकते हैं या नष्ट किए जा सकते हैं। इस बीच गोवा पुलिस हिसार भी जा सकती है, जहां सोनाली फोगाट के 3 शोरूम है, एक फार्म हाउस है और एक बंगले के अलावा खेती की जमीन भी है। सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर इस फार्म हाउस में आया करते थे। पुलिस इन संपत्तियों के दस्तावेज के अलावा बैंक खातों को भी खंगाल रही है। परिवार ने यह आरोप भी लगाया कि सांगवान ने फार्म हाउस में शिवम की मदद से एक DVR और एक लैपटॉप हटवा दिया, जो अकाउंटेंट के तौर पर वहां काम करता था। पूरे खेल का मास्टरमाइंड सोनाली का पीए सुधीर सांगवान है। परिवार वालों की माने तो सुधीर काफी वक्त से सोनाली के खिलाफ साजिश रच रहा था। वो सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में था, जिसकी नजर सोनाली के फार्म हाउस पर भी थी। क्या सोनाली फोगाट की मौत की वजह उसकी संपत्ति बनी? क्या पीए ने सोनाली की प्रॉपर्टी के लिए पूरी साजिश रची? ये वो आरोप हैं जो सोनाली की मौत के बाद से ही परिवार लगा रहा है। बिल्कुल सर, 2019 में आया था ये सुधीर सांगवान, जो उनका पीए था। ये मतलब 24 घंटे साई की तरह मैडम के साथ ही रहता था और जो भी मतलब लेखा जोखा था सारा काम वही संभालता था, और जैसे खेत का था सब कुछ, ठेका वगैरह सब कुछ वही मैनेज करता था। और उसी के पास मतलब सोनाली फोगाट जी को उसने इतने गुड फेथ में लिया हुआ था कि वो फैमिली से भी दूर कर दिया था उन्होंने सोनाली फोगाट जी को। ना ही वो फैमिली वालों से मिल देता था, ना ही फोन पे बात करने देता था। हम फोन पे बात करते तो मतलब कॉल डिलीट कर देता था, मैसेज डिलीट कर देता था चैट पे, हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते वो भी डिलीट देता था। इसलिए उन्होंने मतलब सोनाली फोगाट जी से परिवार से दूरी बना के मतलब दूरियां बना दी। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है जी, मतलब प्रॉपर्टी का ही एक उसको लालच था कि जिसकी मैं जो प्रॉपर्टी है वो सारी हड़प लूं, धीरे धीरे करके सब कुछ वो अपने नाम करवा लेता। परिवार वालों का कहना है कि इससे पहले वो सोनाली के गुड़गांव वाले फ्लैट को भी अपने नाम कर चुका था और अब उसकी नजर इस फार्म हाउस पर थी। वो काफी टाइम से ये षड्यंत्र रच रहे जी कि इनको परिवार को सबसे पहले तो भाई परिवार को दूर करे, धीरे धीरे फिर उसको काबू में लिया ताकि परिवार साथ नहीं देगा तो इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने मतलब गुड़गांवा फ्लैट है वो भी अपने नाम किया है, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमें पता नहीं है, उसकी डिटेल हम बाद में निकलवाएंगे कि उसने क्या क्या अभी कुछ किया है और क्या उसने खरीदा है, क्या कितने वो कर रखे। सबसे बड़ी बात, परिवार सांगवान पर पहले भी सोनाली की हत्या की साजिश का आरोप लगा चुका है, जिसका शक सोनाली ने जताया था। जी सोनाली फोगाट जी ने उनको एक बार निकाल भी दिया था सर, मतलब 1.5-2 महीने वो अलग भी रहा, लेकिन फिर उसने मतलब आके माफी मांग ली मैडम से कि मैडम मुझे माफ कर दो, मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा, तो दोबारा फिर गुड फेथ पे वो दोबारा फिर यहाँ पे आ गया था। और मैं 1.5-2 महीने पहले की बात है, तब सोनाली फोगाट जी उन्होंने खीर खिलाई सर। खीर खिलाने के बाद सोनाली फोगाट जी को मतलब कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उनके हाथ पैर काम करना बंद कर गए, हाथ पैर में सुन्नापन हो गया था। तो उन्होंने घर वालों को बताया, तो मेरे साथ ऐसी दिक्कत है, घर वालों को हॉस्पिटल में चेक करवा लो, तो बोले कोई नहीं ऐसी तो मतलब क्या पता वैसे ही हो गया वो, इसलिए सोनाली फोगाट जी गुड फेथ में थे इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई थी। परिवार का कहना है कि सोनाली ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन सांगवान उसे लगातार कुछ न कुछ मिलाकर दे रहा था ताकि उसकी मौत को हाथ से कर्म दिया जा सके। जी सर, हमें पूरा शक है कि वो काफी टाइम से उनको ड्रग्स दे रहा था, कोई ऐसा केमिकल पिला रहा था किसी चीज में, मतलब जिससे कि उनके मतलब शरीर में कुछ ऐसा हो जाए कि सुन्नापन आना, और सब कुछ मतलब ये करता था कि इनको ड्रग्स दे के ऐसी स्थिति में ले जाया जाए, नाजुक स्थिति में, कि किसी के ऊपर विश्वास वगैरह कुछ ना कर सके। इस पूरे मामले में लगातार ब्लैकमेलिंग की बात भी सामने आ रही। सोनाली के भाई ने अपनी शिकायत में भी ब्लैकमेलिंग का जिक्र किया था, और ये ब्लैकमेलिंग की बात सोनाली ने खुद परिवार को बताई थी।
हो सकता है ब्लैकमेलिंग भी कर रहा हो किसी तरह की, उसने कोई मतलब ऐसी वीडियो बना रखी हो कुछ भी, मतलब जो ब्लैकमेल टाइप में, जो मतलब कहता हो कि मैं आपकी वो वायरल कर दूंगा, इसलिए हमें ये भी शक है सर, वो उसने कर रखा होगा ये भी। झारखंड के सियासी संकट का केंद्र अब छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर पहुंच चुका है। सोरेन सरकार के 41 विधायक और मंत्री रायपुर जा पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सोरेन की कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे को टालने के लिए सारी कवायद हुई है। इस मुद्दे को लेकर सियासत और जोर पकड़ चुकी है। सियासत झारखंड की है लेकिन सरगर्मी छत्तीसगढ़ में है। पॉलिटिक्स के इस खेल की शुरुआत रांची से हुई, जिसका एक दांव रायपुर से दिख रहा है। रायपुर यानी कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी। हेमंत सोरेन के 41 विधायक और मंत्री भूपेश बघेल के मेहमान हैं। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का नया केंद्र बना है मेफेयर रिसॉर्ट। लड़ाई रांची की कुर्सी की है। उस जंग में हार से बचने के लिए कांग्रेस आरजेडी के समर्थन से सरकार चला रहे हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर भेजने का फैसला किया। इंडिगो की चार्टर्ड फ्लाइट से विधायक और मंत्री मंगलवार को रायपुर पहुंच गए। रांची से उड़ा विमान कल शाम रायपुर पहुंचा। उस विमान के सबसे खास यात्रीगण अब इस लग्जरी 5-स्टार होटल के मेहमान हैं। विधायकों की मेहमान नवाजी के लिए पहले से ही तैयार था रायपुर का लग्जरी मेफेयर रिजॉर्ट। ये वही लग्जरी होटल है जो पहले भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का गवाह रहा है। राज्यसभा चुनावों के दौरान हरियाणा के 27 विधायकों ने यही डेरा जमाया था। जब खतरा हेमंत सोरेन की कुर्सी पर मंडराया है तो उसी मेफेयर रिजॉर्ट में सोरेन की सरकार जम गई है। विधायक रांची से करीब 600 किलोमीटर दूर फिलहाल चैन की सांस ले रहे हैं। हेमंत सोरेन को अब उम्मीद है कि भारी सुरक्षा के बीच उनके विधायकों को कोई खरीद या तोड़ नहीं पाएगा। सीधी सीधी जो गैर भाजपा शासित प्रदेश में जिस प्रकार से जो लोग हैं वो किस प्रकार से खरीद फरोख्त का बाजार यहाँ बनाना चाहते हैं, उसे बचाने के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को लाभ के पद के मामले में दोषी पाया है। अब गेंद राज्यपाल के पाले में है, आखिरी फैसला उन्हीं को लेना है। इन सब के बीच कुर्सी बचाने की कवायद तेज है। इसी कड़ी में 27 अगस्त को भी सोरेन सरकार के मंत्री विधायक खूंटी चले गए थे, सियासी पिकनिक मनाई गई थी। अब रायपुर के लग्जरी रिजॉर्ट में मंथन चल रहा है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री सोरेन अभी रांची में रुके हुए हैं। रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं, उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा आपने और आज भी देखा और आगे भी आप कई चीजों को देखेंगे कि राज में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब दे। मेफेयर रिसोर्ट में विधायकों की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद विधायकों से मिलने रिसोर्ट तक आए। इस बीच रिसोर्ट के बाहर गाड़ी में शराब की पेटियां बरामद होने की खबर से हंगामा मच गया। बीजेपी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी वाली इस गाड़ी से शराब विधायकों के लिए मंगाई गई। एक बड़ा हमला राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तरफ से आया। ट्वीट कर कहा कि भूपेश जी कान खोलकर सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है जो छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हैं। असम हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का डेरा। इन अनैतिक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक, दूसरे पार्टी के
उठा उठा के ले गए, उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी, चुप क्यों थे, उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा 20-20 खोखा, रमन सिंह इसके बारे में बताए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। बीजेपी सोरेन सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, लेकिन सोरेन तमाम आरोपों से अलग अपनी सरकार बचाने में जुटे हैं। ऐसे में सभी की नजरें राज्यपाल के अगले कदम की ओर हैं। रांची से अशोक सिंघल और रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ सत्यजीत कुमार, आज तक। यूपी के 22 जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। खासतौर पर गंगा के तट पर बसे सभी जिलों में गंगा का उफान है। रौद्र रूप ऐसा दिख रहा है कि मुसीबतों की बाढ़ आ गई है। भोले की नगरी वाराणसी इन दिनों बाढ़ के पानी में डूबी है। हर जगह सिर्फ पानी है। गंगा के किनारों के हालात देखिए। सारे घाट पार करके गंगा का उफनता पानी शहर में घुस चुका है। गंगा किनारे अंतिम संस्कार तक दूभर हो गया है। नमो घाट हो या फिर 80 घाट, हर जगह सिर्फ पानी है। ये सन्नाटा बता रहा है कि बाढ़ के पानी ने वाराणसी में किस हद तक लोगों को लाचार कर दिया है। घाटों पर पानी है और इसके करीब गंगा का ये वेग बता रहा है कि मुसीबत अभी टली नहीं है। प्रयागराज की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ भी हालात कितने भयावह हैं। कमोवेश पूरे शहर में पानी भरा है। हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर सिर्फ पानी है। लगता है नदी पूरे शहर को लील लेने पर आमादा है। सैकड़ों घर नदी के जद में आ गए हैं। शहर में पानी भर रहा है और इसके बीच से लोग नावों के सहारे जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं। और कोई रास्ता नहीं है। गलियों में जानवर भी जहां के तहां पानी के बीच फंसे हैं। सहारनपुर में देखिए कैसे बाढ़ के पानी में कई गाड़ियां फंस गई हैं। बेहट तहसील में मां शाकंभरी देवी परिसर के पास अचानक बाढ़ आ गई। इससे श्रद्धालुओं की दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गई। तस्वीर डराने वाली है। सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते फ्लैश फ्लड के हालात हैं। आधा दर्जन कारें और एक बस में सवार लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। कुछ को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। गाड़ियों को रेस्क्यू कर बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। हमीरपुर शहर का हाल देखिए। वाराणसी या प्रयागराज जैसा ही हाल यहाँ का भी है। ड्रोन की तस्वीर भयावह हालात दिखा रही है। ये हाल तब है जब पानी काफी उतर चुका है, लेकिन दूर तक सिर्फ तालाब दिखाई दे रहा है। पूरी तरह हालात सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। चंदौली शहर में बाढ़ के पानी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। लोग घुटनों तक पानी के बीच से गुजर रहे हैं। घरों में पानी भर चुका है, किचन में पानी भर चुका है, तो सीढ़ियों पर बैठकर खाना बनाना मजबूरी हो गया। मिर्जापुर में भी हालात विकट है। हर तरफ पानी ही पानी है। इसके बाद भी लोग जान पर खेलकर स्टंटबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने नाव पर बैठकर मिर्जापुर में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। मिर्जापुर में दर्जनों गांवों के लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सदर तहसील और चुनार तहसील के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल देखकर हैरान रह गई। बांदा में भी लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। यहाँ भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर है। दर्जनों गाँव बाढ़ की चपेट में है। यूपी में गंगा किनारे के तमाम शहरों में इस बार बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। फसलें तबाह हो गई हैं और शहरों में जिंदगी पटरी से उतर गई है।
आज तक ब्यूरो। हमारे सहयोगी समय श्रीवास्तव ने सैलाब की कवरेज के लिए यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रयागराज से लेकर काशी तक का हाल देखिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी इस बाढ़ की चपेट में आया है। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के, जहां पर श्रद्धालु आते हैं और गंगा जल ले जाते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये कोई नदी नहीं है, ये वो सीढ़ियों का जगह है। और जो सबसे पहले लंबे लंबे पिलर्स देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये कॉरिडोर इस पिलर के भी काफ़ी आगे जाता है और फिर वहाँ पर सीढ़ियाँ नीचे की तरफ हैं और फिर जाकर ये पूरा कॉरिडोर खत्म होता है। पर इस वक्त पूरा कॉरिडोर का ये जो हिस्सा है जहाँ पर आप नाव खड़ी देख रहे हैं, ये कोई वो हिस्सा नहीं है जहाँ पर आम दिनों में आपको नाव खड़ी हुई दिखेगी। ये वो हिस्सा है जहाँ पर प्रॉपर फ्लोरिंग है, नीचे की तरफ सीढ़ियाँ हैं। पर आज क्योंकि बाढ़ आई है और बाढ़ का पानी ऊपर की तरफ काशी कॉरिडोर में आ पहुँचा है, इसकी वजह से ये नावें यहाँ पर खड़ी हैं। जैसा कि मैंने बताया, सामने का पिलर उसके आगे इस पूरे स्पेस का हाफ स्पेस और ले लीजिए, वहां तक पूरा कॉरिडोर जाता है। ये तक जो कॉरिडोर की दीवारें हैं और जो ये आप स्टेयर्स का देख रहे हैं, ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये सीढ़ियां नीचे जाती हैं जो सामने आप स्टेयर्स का देख रहे हैं, पर ये जो है पूरी तरीके से बाढ़ के पानी से डूब गया है। और अब जो आपको मैं प्रवेश द्वार दिखा रहा हूँ, जो एंट्री गेट सामने दिखा है, ये वो एंट्री गेट है। यानी कि जब श्रद्धालु, जैसा कि कॉन्सेप्ट आया था कि गंगा का पानी लेकर जाएंगे, भगवान शिव को चढ़ाएंगे, पर फिलहाल इन सब पर रोक लगी हुई है। श्रद्धालु फिलहाल दर्शन जरूर कर सकते हैं भगवान शिव के, पर यहाँ से गंगा जल ले जाकर इस द्वार से उस तरफ नहीं जा सकते क्योंकि बाढ़ का खतरा है। इसकी वजह से प्रशासन और पुलिस ने रोक लगाई है, क्योंकि ये पानी अभी यहाँ पर है, पर अगर जल स्तर बढ़ता है तो आप मानकर चलिए ये पानी कब यहाँ तक आ जाएगा हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सहयोगी ब्रजेश और कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।